ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को पूरे देश ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। अयोध्या राम मंदिर के साथ ही देश के कोने कोने में रामलला की पूजा अर्चना की गई। भजन कीर्तन हवन यज्ञ और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जय श्री राम के उद्घोष गूंजे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितना उत्साह हिंदू कार्यकर्ताओं व हिंदू भाइयों में था, उतना ही उत्साह मुस्लिमों में भी देखने को मिला। मुस्लिमों ने भी रैलियों में अपने बच्चों को राम स्वरूप में भेजा। कई मुस्लिम पैदल यात्रा कर रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। किसी ने सड़क के मुख्य चौराहों पर श्री राम की मूर्ति रख भजन कीर्तन किए, किसी ने दिए जलाए, किसी ने फटाके फोड़कर खुशी मनाई, तो किसी ने दो रकात नमाज शुक्राना अदा की। पर आज की हमारी जो खबर है उसे आपको बड़े ही ध्यान से और ज़रूर देखना है। यदि आपके पास समय नहीं है तो बाद में देखें, पर देखें ज़रूर। तो नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर मानव मूल्यों की बात कर रहे थे, परंतु प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुत्व का चोला ओढ़ने वालों ने देश में आतंक मचा दिया और राम नाम की आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यदि विश्वास नहीं है तो सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो हैं जिन्हें आपने देखा होगा और देख भी सकते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो 22 जनवरी का है और उसी अयोध्या का है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई और जो पूरे देश से सोशल मीडिया पर जो खबरें और जो वीडियो निकल कर सामने आए हैं, वह वीडियो वह खबरें कई सवाल खड़े करती हैं कि यह कैसा राम राज्य है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि रामलला की आड़ में दंगइयों ने जैसे दंगा करने का लाइसेंस मिल गया था, क्योंकि रामलला की आड़ में हिंदू संगठनों ने एक समुदाय को परेशान करना शुरू कर दिया। और ये एक वीडियो नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से ऐसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में कितना हुड़दंग हुआ जिसे मुख्य मीडिया ने नहीं दिखाया और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं वह सारे वीडियो। लाख वर्ग की भी क्षेत्रफल 1857 के समय में हमारा हुआ करता था। आज देश का विभाजन 32 लाख वर्ग की भी क्षेत्रफल हमारा बचा है। पूरे भारत को अखंड बनाएंगे। आज ये त्रिशूल दीक्षा इसीलिए है। आज ये Thank you.
आर्गुमेंट हुआ था दो ग्रुप में, जिसके चल के थोड़ा सा एक पेटी उनका फाइट हुआ था। ऐसा कुछ कम्युनल वायलेंस वगैरह हुआ है स्टोन बिल्डिंग में, ये सब रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दो गुट में खाली एक आर्गुमेंट हुआ है और एक बोलते हैं हम आईपीसी के 323 जैसा सिंपल इंजरी टाइप, ऐसा उनका आर्गुमेंट हुआ है जिसमें थोड़ा सा फाइट हुआ है। और एरिया में फिलहाल पूरा मीरा रोड एरिया में पूरा शांति है, पूरा पुलिस फोर्स तैनात है, कोई भी वायलेंस हुआ है ऐसा कुछ भी इंसिडेंस यहाँ पे नहीं हुआ है। कृपया मैं लोगों से अपील करूंगा कि कोई भी ऐसा कोई रूमर्स आता है तो उस पर कृपा करके बिलीव ना करें, विश्वास ना करें, हमारे एरिया में पूरी शांति बनाए रखें। और ऐसे कोई अनहोनी अगर या फिर रूमर्स आपके सामने आती है तो कृपया आप पुलिस से संपर्क करके। ये देखो आगे खा रहे लोग रुकेंगे, इधर सीन होने वाला दिख रहा पुलिस कौन एक नंबर। की गलियों में कितना घर टूटा है ये देखिए। ओहो भाई देख रहे हैं आशीष भाई, ओहो सब उजाड़ लग रहा है बिल्कुल है, सब का सब घर टूटा है। ओ भाई पूरी तरह से भैया डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं एकदम, पूरा एकदम सब। क्या नजारा लग रहा है भाई, यहाँ पे क्या जरूरत थी यार इन गरीबों का घर तोड़ने की। पुलिसवा देख रहा है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ, जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली।